था अपना उसका गाड़ी का कलर, तो उसको पीला कौन करवाया है? पूछना उससे कभी आए, ठीक है? अभी ये देखो, गेम नेम इज सोल रिवर्टोस एंड माय इन गेम रोल इज आईजीएम। आधी लगा है अरे वो। रहेगा, गाड़ी से नॉक हो रहा है बे। तू बोल सुन, मैं ये गाड़ी लेके गया, मैं इसको पहले ही बोल दे, रहेगा मर जाएगा, मत जा, नहीं रुकना इसको, इसको गाड़ी से खेलना है। तो दे भाई, मेरे पापा को ऑपरेशन है इसलिए जा रहा हूँ भाई। आ जाओ, चलोगे भाई साथ में? थोड़ा थोड़ी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो भाई, क्यों लोग भी देखेंगे, 10 लोग भी मेरे लिए बहुत है। सामने मेरे 10 लोग भी खड़े हो ना, मैं तब भी कांप जाऊँ भाई। रहने दो, मत देखो चलेगा, मैं किसी का मजाक मत बनाओ जब तक बातें ना बताओ। कौन कौन छेड़ा इसको इसकी मार? तो मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं मजाक कुछ अलग कर दूंगा, बट समझ रहे हो, एक बारी जाना पड़ता है भाई घर में। मैं कुछ जाके अलग नहीं करूँगा, वो दीदी पे पूरा भरोसा है, वो अकेले संभाल ले। बट एटलीस्ट 2-3 दिन जो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ सीरियस काम नहीं है इतना। उससे इस एम्बे को पता है इंपॉर्टेंट किस टाइम पे क्या है। मतलब आप लोग घर मत जा की जगह ये बोल दो, तो उठ के हम जल्दी चले जा। वो टोकने वाली जो चीज़ है ना गाइस, बहुत नेगेटिव वाइब्स प्रोवाइड कर रही है एंड उससे बहुत चीज़ें खराब हो रही है। तू और मैं ऐसा खेलता ना, कुत्ता बना के मारता इस पूरे गेम में, दौड़ा देता। अगर मैं सीरियस खेलता तो दौड़ा देता, दौड़ा पूरे मैप, नोवो तुझे मारने के बाद नोवो भाग जाता, जोर जोर पूछे इतना मारता, मां कसम कह रहा हूँ, पता तो तू है मस्ती में खेल रहा हूँ, अगर मेरे को पता था ना भाग भगा के मारता। क्या बात है, दौड़ दौड़ा के मारता, ये होना चाहिए यार ई-स्पोर्ट प्लेयर में। मैं चाहता हूँ ना ये इंडिया का हर एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, कोई भी गेम हो, ये जज्बा तो होना चाहिए भाई। मैं खाली ये नहीं बोल रहा ये रहेगा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हर इंडियन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, अगर आप भी बनना चाहते हो, ये जज्बा होना चाहिए। कुत्ता बना के मारता, अकेला मारता, कुत्ता बना के मारता यारो, तब होता है स्पोर्ट्स प्लेयर यारो, दबा के मार के किरकिरी। अच्छा बोला यारो इन्हें भाई, दिल खुश कर दिया, मारता भी वैसी था यारो इन्हें, समझ रहेगा चीचा। वैसे रहेगा से मेरी रोजी बात होती है आजकल यारो, उसके मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, डुओ ऐसा हो गया है। बट हम लोग चाह रहे थे यार BGMI आए, हम लोग कल ही बात कर रहे थे यार, रहेगा BGMI अपन ने स्टार्ट किया था, पहला वीडियो देखे आपने मेरा और इसका डुओ का, देखना जाके भाई, बहुत फन। मॉर्टल इन लोग के साथ भी है बहुत, हम लोग यही बात कर रहे हैं यार, BGMI अभी तक होता तो फाड़ रहे होते, मजा कर रहे होते, एंजॉय कर रहे होते। मिस तो कर रहा हूँ यार, BGMI आना चाहिए रे रिटर्न, है ना। मितेश थैंक यू 100 सर, इलेक्ट्रो आइज जार्ड की ये वीडियो रिसीव करा, मम्मी से तो को पसंद नहीं आएगा। माँ ये गिफ्ट है। ओहो इनके पापा का मतलब तबीयत खराब है, मतलब एकदम से पूरा एकदम पूरा केयर इसलिए रहेगा के मॉमडेड से मैं मिला था, ये बहुत स्वीट है भाई। उस टाइम पे 2 लोगों के माँ बाप से मिला था मैं, जब मैं दिल्ली आया था, एक रेबेल के माँ बाप से और रेगा के माँ बाप से। अंकल मतलब माजिन को बार बार आ रहे बेटा बेटा बेटा, फिर उसके बाद आंटी ये बार बार माजिन और आइए मेरी मर्जीना, मतलब चलो मैं तो गेमिंग हाउस से रिलेट करता हूँ मेरे लोग सबको, मर्जीना बिल्कुल नई थी, माजिन बिल्कुल नया था, माजिन फिर भी एक यू नो एक मतलब होता है बच्चे लोगों को, बच्चे लोग सब पसंद करते हैं बच्चे लोगों को, बट मर्जीना एक लाइक उन, जब मेरी वाइफ को रिस्पेक्ट इतनी दी गई तो मैं बहुत खुश हो गया यार। और रेबल के माँ बाप तो घर पे बुलाए और हम खाना खाए, बहुत तारीफ की, और रेबल के मॉम डैड यही बोल रहे थे बार बार, यहीं रुक जाओ अब दिल्ली, यहीं रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ प्लीज़, 1-2 दिन रुक जाओ रुक जाओ, मतलब फ्लाइट की टिकट हो गई, जाना पड़ेगा। फिर रेगा के मॉम डैड भी मिले थे एंड में, और इतने अच्छे से ट्रीट किया है ना भाई, इतने सीधे भोले हुए हैं भाई, मजा आ गया यार मिलके। नहीं करा है पूरा रेगा के लिए, गाइस हार्ट स्पैम कर दो, हार्ट स्पैम कर दो, दिल्ली गया है वापस आ जाएगा, बट रेगा इज इंप्रूविंग अ लॉट, रेगा हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, आई एम वेरी एक्चुअली रेगा बहुत पहले, मैं तो पहले से नहीं पता पहले क्या था अभी क्या था, बट रेगा बहुत अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, इसका तो YouTube बहुत अच्छा चल, हाईलाइट एवरी डे आ रही है, सही कर रहा है, प्राउड ऑफ हिम रहेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर BGMI प्रॉमिस देखो मैं करूंगा, लेकिन
इतना करूंगा कि भाई उसको बीजीएमआई ई-स्पोर्ट में मैं लेके आऊंगा, अगर बीजीएमआई आता है इंडिया में तो उसको ई-स्पोर्ट में फिर से मोटिवेट बूस्ट मैं करूंगा भाई, इंशाल्लाह भाई दुआ करता हूँ। ठीक है, अपन लेके आएंगे उसको फिर से। ठीक है, मर भी जाऊं कहीं जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, लेके तो आऊंगा, ट्राई करूंगा पूरी कोशिश भाई। दिल से भाई माना उसने अपने को, तो अपन उतना तो करेंगे, बड़ा भाई बोलता अपने को यार, वो अच्छा लगता अपने को। मैं एक बात बता दूं, मेरे लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट एक दोस्त होगा मेरा, आमिर नाम का है, वो भी कभी कभार से बात होती है, हफ्ते में एक बार। आज मैं रियलिटी अपना बता दूं, मैंने स्ट्रीमिंग के चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है भाई फिलहाल। आई गेस काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीमर है जो, यार तुमको लगता है एक यूट्यूबर बनना इजी होता है, एक स्ट्रीमर डेली 7 घंटा यूट्यूब पे, 5 घंटा सुबह में एडिटिंग पे बैठना, व्लॉग बनाना, तुमको लगता है उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है? मेरा कोई दोस्त नहीं है फिलहाल, मतलब वो आमिर एक दोस्त है, फिर भी मतलब अभी फिलहाल तो वो भी उससे मिलना होता ही नहीं है, फिलहाल मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। बट इस लड़के से बॉन्डिंग बनी तो ऐसा लगा कि भाई एक पुराने ऐसे दोस्त की फीलिंग देता है यार ये, मतलब बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करता है, मतलब हंसी मजाक। तो सेम भाई, मतलब आप लोग तो फैमिली हो यार, दोस्त ये तो, मतलब अब लोग इसको कुछ भी कहे, ठीक है लाइक ये मेरा चैनल है हा? ये क्या हुआ, ये अरे मैंने कब मेंबरशिप ली अपने चैनल की यार, वो मैंने अपनी मेंबरशिप कब ली भाई? हेलो, अच्छा डुप्लीकेट है, डर गया मैं, मतलब मेरा चैनल किसके पास चला गया? अरे भाई कुछ हुआ तो नहीं ना? तो गाइस मैं यही बोल रहा था अबाउट रेगा के फ्रेंड दोस्त भाई, तो ऐसा होता ना यार, अभी फिलहाल अब इसने भाई ऐसा बॉन्डिंग बना लिया है भाई, इस क्या होता है ना, जब तुम किसी से ज्यादा घुल मिल जाते हो ना, तो उस रिश्ते को लोग बदनाम भी करने लगते हैं। और मेरे को पता है कुछ टाइम बाद ये चीजें वो भी होगी कि भाई रहेगा ये वो, अपनी माँ कसम खा के कह सकता हूँ भाई, मेरा दिल ऐसा है ना यारो, अगर तू मेरे साथ अच्छे से रहेगा ना, मैं तेरे साथ बहुत अच्छे से रहूंगा, मेरा नेचर ही है भाई। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे यार, मैं नहीं सोचता कौन क्या है भाई, किसके क्या है, सीधा भाई ये अच्छा है अपने साथ, अच्छा है अच्छा, ठीक है। ये लड़का मेरे को बहुत पसंद है भाई, सिंपल एज दैट यारो। पता नहीं छोटे भाई जैसा लगता है मेरे को यार, वो फीलिंग आती है ऐसा, किसी को छोटे भाई को लेके चल रहा है। अभी क्या हुआ था आपको यार, वो पूरा स्टोरी नहीं समझा था, बूट कैंप की बात है, तब से ज्यादा वो है, बूट कैंप पे एक इंसिडेंट हो गया, हमने कुछ गलत किया था, तो गोल्डी भाई, लाइक गोल्डी भाई तो एकदम हमारे बड़े भाई है, हमारे मतलब एकदम मतलब माए बाप उधर के गॉडल के, अरे अरे गॉडल कौन बोला, सोल एसे ड्यूएल सॉरी वो एसे ड्यूएल में, ठीक है। तो अब बैगन कोई हाईलाइट वाला मेरी मारना नहीं, ठीक है, यहाँ वहाँ क्लिप कोई फालतू विलतू करना नहीं एड़े चाले, ठीक है गाइस। हाँ तो हेलो, अरे वो थोड़ा, अरे हो गया यार, निकल जाता है यार सुनो अरे हो गया यार गाइस, अब सुनो मेरी बात। तो क्या हुआ था, पहले तुम लोग हंस लो, 2 मिनट हंस लो तुम लोग, मेरे को पता है तुम लोग यही करेंगे यार, ठीक है ठीक है। नहीं, आप सुन लो मेरे भाई। सो गोल्डी भाई इज लाइक माय बाप अपने एसे ड्यूएल के गेमिंग हाउस के, ऐसा फील क्या वो है ही भाई। तो अभी हम लोग ने, मैंने रेगा ने और आदि ने कुछ गलती कर दी थी,
तो रहेगा एज अ बड़ा भाई मेरे को उनके सामने लेके गया, ताकि वो गुंडी भाई मेरे सामने उसको कुछ बोले ना। तो ऐसी गुंडी भाई वो ये नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब जाने दो यार जाने दो छोटा भाई ऐसा ऐसा। तो वहां से थोड़ा वैसा बॉन्डिंग फिर चालू हो गई भाई, फिर हम लोग बाहर घूमने गए कुछ खाने पीने। हाँ अरे भाई सुनो, गोल्डी भाई ऐसा गोल्ड गोल्ड ऐसा निकल गया मेरा भाई, ठीक है हो गया। मैं यहाँ पर जाने वाला था इस टाइम पे, मेरे को पता था मैं SATUL मेरा अनाउंसमेंट होने वाला है, बट 8-bit का अनाउंसमेंट हुआ था और मैंने किसी को बताया नहीं था कि एक्सक्यूज मी, आपको पूछ रहा हूँ क्या नाम है आपका? सुपर चैट आया किसी का, रिएक्ट ऑन ऑल क्लचेस हाईलाइट 1v4 रहेगा, थैंक यू सो मच मेरे भाई करते हैं। अमेजिंग इट।